हेलो एंड वेलकम टू IndiaBird.com। फ्रेंड्स, होप सो आपने आपका जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम था प्री का, वो अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जनरल इंग्लिश के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है, और पहले कैसे पेपर आया था, क्या उसका आंसर था, ये डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल से सुझाव के लिए कमेंट करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको फ्री में अपडेट्स मिलते रहते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, उससे रिलेटेड एडमिट कार्ड आया, एग्जाम डेट आया, स्टडी मटेरियल, सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, उससे आपको जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर यूज़ किया है वो सेट ए क्वेश्चन पेपर यूज़ किया है, और जनरल इंग्लिश का ये पेपर है जिसके लिए 3 घंटे टाइम दिया गया था, और मैक्सिमम मार्क्स 100 था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर का। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप इस बार भी जब एक मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो उस समय जरूर देखें मार्किंग के बारे में। तो पिछला जो क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको एक मार्क दिया गया था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता ये है कि आउट ऑफ 100 आपको 100 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके जीरो रिस्क पे आप हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको जो सबसे सटीक ऑप्शन लग रहा हो वो आप कर सकते हैं, आपको कोई घाटा नहीं होगा। तो इस बार भी जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएं तो आप इस बात का ध्यान दें। वैसे मेंस का और इंटरव्यू का एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो चुका है, तो अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर इससे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए यूज़ कर जो सेट ए का यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं सेट ए ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका यूज़ करते हुए हम लोग आंसर की देखेंगे। तो यहाँ पर हर जो क्वेश्चन का पार्ट है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और हर ग्रुप में 10 क्वेश्चन हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रुप ए है। यहाँ पर हर जो सेंटेंस है उसमें एक इडियम या फ्रेज है, और उसके बाद 4 अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है जो कि सबसे क्लोजली जिसका मीनिंग इडियम और फ्रेज से मैच कर रहा हो। और तो इडियम और फ्रेज जो है वो है अंडरलाइंड आइटम सी, इडियम और फ्रेज है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हिज डीड्स आर एट वेरियंस विथ हिज वर्ड्स। ऑप्शंस हैं इन डिसएग्रीमेंट विथ, इन एग्रीमेंट विथ, विदाउट एनी रेलेवेंस टू, या इन कॉम्प्लायंस विथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन डिसएग्रीमेंट विथ। मतलब डिसएग्रीमेंट दिखाना डिसएग्रीमेंट के साथ। क्वेश्चन 2, आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन देम। ऑप्शंस हैं पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, पॉइंट ऑफ क्वारल, पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट, या पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो करेक्ट आंसर है वो है पॉइंट ऑफ क्वारल, झगड़े का जो वजह है वो। क्वेश्चन 3, अ मैंस लाइफ इज नॉट एट ऑल अ बेड ऑफ रोजेस। तो अ बेड ऑफ रोजेस का यहाँ पर जो क्लोजली मीनिंग है उसके ऑप्शंस हैं वियरीसम, ट्रबलसम, पेनफुल, या कंफर्टेबल एंड कलरफुल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कंफर्टेबल एंड कलरफुल। क्वेश्चन 4, एवरी ग्रुप हैज सम ब्लैक शीप इन इट। ऑप्शंस हैं गुड पीपल, बैड पीपल, फेमस पीपल, या पीपल विद ब्लैक कलर। तो करेक्ट जो इसका सही आंसर है वो है बैड पीपल, गंदे लोग, बुरे लोग। क्वेश्चन 5, ऑल द क्रिमिनल्स हैव बीन ब्रॉट टू बुक, लेट ऑफ, बेल्ड, पनिश्ड, या वार्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पनिश्ड, सबको सजा दे दी गई। क्वेश्चन 6, हु ब्रोक द आइस इन द मीटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड आइसक्रीम, एट आइसक्रीम, ब्रोक साइलेंस, या लाफ्ड लाउडली। तो आइस, ब्रोक द आइस का जो मीनिंग होता है वो होता है कि जो एक बिल्कुल शांति रहना, तो वहां पर आपको बातचीत करना। तो इसका जो इस तरफ से जो मीनिंग है वो ब्रोक साइलेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, ही वॉन्ट्स टू बी रिच बाई हुक और बाई क्रुक। ऑप्शन है बाई फेयर मीन्स, बाई फॉल मीन्स, बाई फ्लैटरिंग अदर्स, या बाई फेयर और फॉल मीन्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो अच्छे या बुरे दोनों तरीके का यूज करके रिच होना। क्वेश्चन 8,
तो यहां पर सी कट अ सॉरी फिगर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, ऑप्शन है परफॉर्म्ड वेल, परफॉर्म्ड बैडली, आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस या आंसर्ड बोल्डली। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्म्ड बैडली, इंटरव्यू में बुरा परफॉर्मेंस देना। क्वेश्चन 9, योर फ्रेंड इज चिकन हार्टेड, ऑप्शन है हैज द हार्ट ऑफ अ चिकन, इज वेरी ब्रेव, इज हार्टलेस या इज अ कोवर्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज अ कोवर्ड, इज डरपोक होना, वो एक डरपोक है। क्वेश्चन 10, नेचर हैज इंडोर्ड हिम विद द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का जो क्लोजली मीनिंग है उसका ऑप्शन है कॉस्टली गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, पोएटिक गिफ्ट या गिफ्ट ऑफ गुड एक्सप्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गिफ्ट ऑफ गुड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो ग्रुप है ग्रुप बी, इसमें क्या है कि हर जो क्वेश्चन है उसमें चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, और इसमें जो एक है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, स्पेलिंग गलत है, तो उसको पद बताना है कौन से का स्पेलिंग गलत है, कौन से ऑप्शन का। ऑप्शन क्वेश्चन 11, कॉन्टेमिनेट, जेनोसाइड, डिवायर या ग्लटन। जो इसमें स्पेलिंग गलत है वो है डिवायर का स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन 12, ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साइबर स्पेस या ड्रेडफुल। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी, ड्रेडफुल। क्वेश्चन 13, इनहेरेंट, फीजिबल, ग्रैपल या थीव्स। तो इसका जो गलत है वो है ग्रैपल। क्वेश्चन 14, डायमीटर, काउंटेनेंस, डायग्नोसिस या प्रेस। तो इसमें गलत जो है वो है डायग्नोसिस का स्पेलिंग जो है वो गलत है, डी आई ए जी एन ओ एस आई एस होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, जज, जस्टिस, फॉर्मेलिटी या प्रोसेस। तो इसमें गलत स्पेलिंग है ऑप्शन बी, जस्टिस का जे यू एस टी आई सी होगा। क्वेश्चन 16, ब्यूटीफाई, बेलेबल, बैटल या मॉन्स्ट्रस। तो गलत स्पेलिंग है वो ऑप्शन सी का, बैटल मतलब युद्ध, तो बी ए डबल टी एल ई होता है। क्वेश्चन 17, प्रोपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रोग्रेसिव या प्रॉमिसिंग। जो इसमें गलत स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए का, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग ये नीचे वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 18, टॉरेंशियल, टॉर्टोइज, टाइफॉइड या टेंजेंट। तो टी आई एल होगा, ऑप्शन जो ए है वो गलत है। क्वेश्चन 19, बटर, सिटीजन, नॉलेज या ऑक्यूपाई। तो नॉलेज में ये स्पेलिंग जो है ऑप्शन सी गलत है, एल ई डी जी ई होता है। क्वेश्चन 20, प्रिवेंट, प्रेस्क्राइब, प्रिपेयर या प्रोड्यूस। तो गलत स्पेलिंग है प्रिवेंट का, तो यहां प्रिवेंट होता है वी ई एन टी। जो ग्रुप सी है इसमें क्या है, जो मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग है उसको सेलेक्ट करना है, मींस एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 21, परपेचुअल, ऑप्शन है इनोवेटिव, कंटिन्यूअस, फ्लेक्सिबल या इररेगुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इररेगुलर, मींस ये एंटोनिम है। क्वेश्चन 22, एलियन, इररेलेवेंट, इंडिजिनस, फॉरेन या आर्टिफिशियल। तो इसका एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, इंडिजिनस, मतलब ओरिजिनली उसी प्लेस का होना। क्वेश्चन 23, डॉर्मेंट, ऑप्शन है ओपन, एक्टिव, विजिलेंट या बेसिक। तो यहां पर करेक्ट है वो है एक्टिव, जो एंटोनिम है। क्वेश्चन 24, फॉली, गुडनेस, फुलिसनेस, एक्शन या विजडम। तो यहां पर जो एंटोनिम है वो ऑप्शन डी, विजडम। क्वेश्चन 25, लेथार्जिक, इमोबाइल, एक्टिव, अनप्लीजेंट या इररेस्पॉन्सिबल। तो यहां पर एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, एक्टिव, मतलब चुस्त दुरुस्त, और लेथार्जिक मतलब कि बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल कोई काम ना करना, इस तरह का। क्वेश्चन 26, रेजिस्टेंस, ऑप्शन है एग्रीमेंट, ऑपोजिशन, एक्सेप्टेंस या कॉम्प्लायंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन 27, एंसियंट, ऑप्शन है न्यू, मॉडर्न, फ्रेश या ओल्ड। तो करेक्ट जो इसमें एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मॉडर्न। क्वेश्चन 28, माइजरली, ऑप्शन है एक्स्ट्रावेगेंट, हॉस्पिटेबल, जेनरस या रेस्पॉन्सिबल। तो इसका जो जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, एक्स्ट्रावेगेंट। क्वेश्चन 29, एडवांस,
ऑप्शंस हैं रिट्रीट, मार्च, ट्रैवल या सर्कल। तो इसका एंटोनिम है बी मार्च। क्वेश्चन 30 प्रोमिनेंट, इसके ऑप्शंस हैं एमिनेंट, ऑब्स्क्यूर, फेमस या रिनोन्ड। करेक्ट जो है वो एंटोनिम है वो है ऑब्स्क्योर। तो ये हो गई एंटोनिम की बात। नेक्स्ट जो ग्रुप डी है, इसमें क्या है कि सेंटेंस दिया है और उसमें एक वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा है, चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, और इसमें जो नियरेस्ट मीनिंग है सिनोनिम पता करना है। तो एट्रोसिटी इज अ सिन, क्वेश्चन 31, एंड्योरेंस, हैट्रेड, करेज या क्रुएलिटी। तो इसका सिनोनिम है वो है ऑप्शन डी क्रुएलिटी। क्वेश्चन 32, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स ट्राइड टू इंटिमिडेट द ऑफिसर्स। ऑप्शन है परसुएड, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन या थ्रेटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थ्रेटन, धमकी देना। क्वेश्चन 33, जॉन पैरिड द ब्लो एम्ड एट हिम बाय हिज एनिमी। ऑप्शन है इवेडेड, अपोज्ड, एक्सेप्टेड या काउंटेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी काउंटेड। क्वेश्चन 34, ही वॉज एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट फॉर गिवन, सस्पेंडेड, डिक्लेयर्ड इनोसेंट या वार्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डिक्लेयर्ड इनोसेंट, मतलब बेकसूर डिक्लेयर करना। क्वेश्चन 35, द टीचर रीइटरेटेड हिज स्टेटमेंट। ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टेड, डिस्प्यूटेड, रिपीटेड या एक्सप्लेन्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिपीटेड, फिर से दोहराना। क्वेश्चन 36, इट वॉज मोमेंटस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, एवर लास्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट या सडन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 37, गैरुलिटी मेक्स द स्पीकर बोरिंग, क्रेडुलिटी, सेनिलिटी, लोकेसियसनेस या स्लो स्पीच। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोकेसियसनेस। क्वेश्चन 38, वी आर ऑल हंग्री फॉर पावर एंड पेफ। ऑप्शन है विजडम, श्रूडनेस, वेल्थ या स्टेटस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वेल्थ। क्वेश्चन 39, ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड डाउन द एजेस। ऑप्शन है इंट्रोड्यूस, स्टार्टेड, डेवलप्ड या एस्टैब्लिश्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेवलप्ड। क्वेश्चन 40, वी शुड एंड्योर सफरिंग। ऑप्शन है एंश्योर, रिवाइज, डेयर या टोलरेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टोलरेट। नेक्स्ट पार्ट है ग्रुप ई। तो इसमें क्या है कि सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और अंडरलाइन कर दिया गया हर पार्ट को। एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है तो इस पार्ट को सेलेक्ट करना है, बताना है किस में ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन 41, सी सेड मी दैट सी हैड थ्रोन अवे माय लेटर्स इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। जो इसमें गलत है वो है ऑप्शन ए सी सेड मी, इसके बदले होगा सी टोल्ड मी। क्वेश्चन 42, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग होम विथ हिज सन टूडे इन द मॉर्निंग। जो गलत है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43, He asked me that what I was doing in the evening. जो इसमें गलत पार्ट है वो है ऑप्शन बी, He asked me what I was doing in the evening होगा। क्वेश्चन 44, She asked her husband that why he was so sad that day. इसका जो गलत है वो पार्ट सी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन 45, The judge asked the accused that if he had anything to say in his defense. तो इसमें जो गलत पार्ट है वो है ऑप्शन बी, That if he has. Question 46, the student asked to the teacher what he had done to deserve such punishment. जो इसमें गलत पार्ट है वो ऑप्शन बी, asked the teacher होगा यहाँ पर। Question 47, the stranger asked him which the shortest route to the station is. तो which is the shortest route to the station होगा, तो इसमें दो पार्ट गलत है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन होना चाहिए। क्वेश्चन 48, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन डी, देयर होमवर्क यहाँ पर होगा। क्वेश्चन 49, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट वॉक फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो इसमें जो गलत पार्ट है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50, ही टोल्ड हिज सर्वेंट डेट इट वॉज टाइम फॉर लंच एंड ले द टेबल।
तो यहां पर जो गलत है ऑप्शन डी वो गलत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 51 टू क्वेश्चन 100 का आंसर की बताने वाले, तो अगला वीडियो भी जरूर देखें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको फ्री में सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस जो पेपर है उसका आंसर की आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर भी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, दोनों एक ही जगह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।